बिग बॉस सीजन 13 के आज के एपिसोड को टेलीकास्ट होने में अभी काफी वक्त बचा है और आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि नॉमिनेशंस की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इसके अलावा घर में और भी कई हंगामे होंगे और अब हर दर्शक यही जानना चाहता है कि आज का एपिसोड किस कदर खास होगा, क्या कुछ हंगामे होंगे, क्या कुछ मौज मस्ती होगी, तो वही घर में लड़ाई झगड़े होंगे कि नहीं होंगे और इस तरीके के ढेरों सवाल होते हैं दर्शकों के मन में अगले एपिसोड को लेकर। तो हम आपके उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए लेकर हाजिर है आज के एपिसोड का प्रीव्यू। जी हाँ, और चलिए अब आपको बता ही देते हैं कि आज का एपिसोड किस कदर खास होने वाला है। तो आपको बता दें कि नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है एक टास्क के जरिए वो आगे कंटिन्यू होगी, लेकिन यहाँ पर शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला से अपसेट नजर आएंगी। जी हाँ, और इतनी अपसेट कि बाथरूम में बंद कर लेंगी खुद को और रोती हुई नजर आएंगी और इवन उनका आरती के साथ झगड़ा हो जाएगा। शहनाज बिल्कुल क्लियरली ये डिक्लेयर करती हुई नजर आएंगी कि दैट सिद्धार्थ शुक्ला, आई हेट यू, यू आर अ फेक पर्सन एंड आई रियली डोंट वांट यू इन माय लाइफ। एंड इवन यहाँ पर पारा छाबड़ा भी उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर तो इस तरीके से सिद्धार्थ को खत्म नहीं कर सकती है, लोगों से बड़ा प्यार मिला है। तो वही शहनाज का कहना होता है कि अब तो खत्म हो चुका है, मैं क्या खत्म करूंगी, वो एक फेक इंसान है और मुझे वो फेक इंसान नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। तो वही आरती का भी कहना होता है कि मैंने उसको हमेशा बच्ची बन के साफ किया। आरती का भी कहना होता है कि यहाँ पर मैंने उसे हमेशा बच्ची मान के माफ किया और वो इस तरीके के ड्रामे कर रही है, मुझे बोल रही है, मैं उसे क्या जलूंगी। आरती और शहनाज का गुस्सा फुल ऑन हाई लेवल पर होता है, बहुत सारे हंगामे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वही झगड़ों का सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं होता है क्योंकि अब आगे झगड़ा होने लगता है रश्मि देसाई और मायरा शर्मा के बीच में। जी हाँ, खाना बनाने को लेकर ये दोनों लड़ती झगड़ती हुई दिखाई देंगी आपको, क्योंकि रश्मि का कहना होता है कि मैं तो खाना बनाऊंगी ही क्योंकि मुझे बोलते हैं कि मैं कामचोर हूँ, और माहिरा का कहना होता है कि खाना वेस्ट नहीं करती क्योंकि लंच रखा हुआ है। इस दौरान आपको बता दें कि माहिरा और रश्मि के बीच का झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि इवन यहाँ पर बीच में सिद्धार्थ शुक्ला भी आ जाएंगे और कहेंगे कि रश्मि यार, बात तो सही है कि तुझे खाना बनाना है, लेकिन खाना ना हो तब बनाए वो अलग बात है, लेकिन खाना रखा है, एक्स्ट्रा रखा है और तब बनाए वो गलत बात है। रश्मि अपना पॉइंट क्लियर करती हुई नजर आती है और माहिरा का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो कहती है कि आई एम फेड अप विद दिस गर्ल यार, आई कैन नॉट टेक हर एनीमोर। तो वही रश्मि देसाई का कहना होता है कि यार ये लड़की आफत है, फालतू में गले पड़ती है, एक इमेच्योर किड है जिसका खुद का दिमाग है नहीं और सिर्फ इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी बोलती है, इसका खुद का दिमाग नहीं चलता है। पारस छाबड़ा भी उनके साथ झगड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। रश्मि देसाई माहिरा को लेकर जो कुछ भी कहती है कि वो एक बेवकूफ बच्ची है जिसका खुद का दिमाग नहीं चलता है, फालतू में गले पड़ रही है, ये बातें पारस को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और यहाँ पर वो रश्मि देसाई से झगड़ना शुरू कर देंगे। जी हाँ, और कहेंगे कि आप ज्यादा शाणे ना बने, और वही रश्मि का भी कहना होगा कि मैं शाणी क्यों ना बनूं क्योंकि मैं तो हूँ ही शाणी। इस तरीके से यहाँ पर माहिरा और रश्मि के बीच का भी माहौल खराब हो जाता है, वो भी एक दूसरे से लड़ती झगड़ती हुई दिखती है। तो वही ऑलरेडी शहनाज और आरती के बीच में दूरियां आ ही जाती है, शहनाज और सिद्धार्थ के बीच की भी दूरियां एकदम क्लियरली नजर आती है और घर वालों को भी साफ दिखता है। घर वालों को नजर आता है कि शहनाज सिद्धार्थ को कितना चाहती है सिर्फ अपने गेम के लिए और उनको लगता है कि शहनाज का गेम सिर्फ सिद्धार्थ है और उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये था आज के एपिसोड का प्रीव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के एपिसोड के बारे में सब पता चल गया होगा कि आज का एपिसोड किस कदर खास होगा। और इसी तरीके से अगर आप हर एक एपिसोड का प्रीव्यू यूं ही जानना चाहते हैं और भी कई चटपटी मसालेदार खबरों के बारे में यूं ही जानना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।